वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेरी रगों में भी मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। AK-56 मिलने पर सुनील दत्त से संजय ने क्यों कहा था? नमस्कार, मैं हूं अकार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 12 मार्च साल 1993 मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए। ये ऐसे जख्म हैं जिन्हें याद कर आज भी हर देशवासी की धड़कने थमसी जाती है। करीब एक दर्जन बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और कई को ऐसे घाव मिले जिन्हें सारी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं बम धमाकों में संजय दत्त का नाम भी गूंजा था। संजय दत्त को इस मामले में अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था। ये हथियार बम धमाके में इस्तेमाल हुए हथियारों के जखीरे का हिस्सा थे। इस केस में संजय दत्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। 2013 से लेकर 2016 तक 3 साल संजय दत्त ने पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे गुजारे। यासिर उस्मान की लिखी एक किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में लिखा है कि जब बेटे संजय दत्त को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया तो सुनील दत्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। सुनील दत्त को यकीन नहीं हुआ था कि उनका बेटा एक ऐसे काम में फंसा है जिसने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर झुका दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की सच्चाई सुनील दत्त संजय दत्त के मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए वो उनसे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पिता के सवाल पर संजय दत्त ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस ने कुछ हथियार दिए थे। सुनील दत्त ने पलटकर सवाल किया कि क्यों। इस क्यों के जवाब में संजय दत्त ने कहा था, क्योंकि मेरी रगों में भी एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। शहर में जो कुछ भी हो रहा है मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय का ये जवाब सुनकर पहले तो सुनील को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें संजय से ऐसे कोई भी जवाब सुनने की उम्मीद नहीं थी। संजय की बात सुनकर वो एकदम हिल गए और आंखों में आंसू लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। वो अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि संजय ऐसा कुछ भी कर सकता है। बता दें, संजय दत्त की मां नरगिस मुस्लिम थी और कहा जाता है कि अयोध्या में हुए बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए मुंबई बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। जब संजय दत्त को अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी तब लंबे समय तक संजय दत्त मुश्किलों में रहे थे, लेकिन परिवार का सपोर्ट उन्हें हमेशा मिलता रहा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।